ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेक आउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। सो सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं पाइसिस, और फिर हम बात करेंगे करियर की। ओके, सो पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द कमिंग वीक। ओ सो पाइसिस के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मैसेज। हो सकता है कि आप किसी के मैसेज का, किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं किसी को मैसेज करने के लिए। ओके, यस पाइसिस, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, सो मे बी इट्स अबाउट यू आर लाइक यू नो हाइडिंग लॉट ऑफ स्टफ। बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, एंड यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी नो इट, बट मुझे पता है। यस ऑफ कोर्स स्पाइसेस, इट्स अबाउट दैट आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, और मे बी आप लोगों के अराउंड ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अराउंड यू नो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो पाइसेस में, या इट्स अबाउट लाइक यू आर थिंकिंग, लेकिन स्लो चल रहा है। ठीक है, ऑप्शंस होना अलग बात है, लेकिन क्या आप उसको कंसिडर कर रहे हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ पाइसेस के लिए। यस, सो थिंग्स आर वेरी वेरी स्लो, और यही चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कब क्या कैसे होगा। ठीक, यू नो, और यस ऑफ कोर्स अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपके, सोच विचार, थिंकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, और मन की आंखों से सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं कि क्या होगा। ऑन द अदर हैंड, यस, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप आपके जो पार्टनर हैं आपके, उनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे, बट कुछ चीज़ें हुई नहीं। एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन अराउंड यू, आप पास्ट में से निकल के आ चुके हैं। ये जो कनेक्शन ऑन एंड ऑफ दिखाई दे रहा है, ऑन ऑफ, अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नो स्टेबल, नथिंग इज स्टेबल, यू नो, कुछ स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा, ऑन ऑफ दिखाई रहा है। एंड हो सकता है कि ये पार्टनर जो है आपके, या पर्सन कह लीजिए आपकी लाइफ में, या फिर जो इंटरेस्ट हैं आपके, लव इंटरेस्ट हैं, वो भी समहाउ चाहते हैं आपकी तरफ आना, और हो सकता है उनकी तरफ बर्डन हो, शायद हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ यू नो स्टफ इन देयर लाइफ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो सेम स्टोरी अभी मुझे दिखाई दे रही है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, दे वॉन्ट to work it out, Pisces, yes of course they want to, because we have that eight of pentacles energy, तो कोई efforts put करना चाहते हैं, और यही आप wait कर रहे हैं कि कोई अपनी तरफ से efforts put करे in the relationship, and this person wants to be with you, लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं कि उनका ध्यान उस तरफ है, या कुछ है, या कुछ reasons भी, genuine reasons भी हो सकते हैं। अब अगर आगे की बात करें, it's about missing, it's about yes, बहुत possibilities है कि आपके around कोई हो सकता है, और उनके साथ आपका relationship आगे बढ़ सकता है, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप, मे बी बात अभी उतनी आगे तक पहुंची नहीं है, थोड़ी बहुत बात चल रही है, और इतना ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं आप लोगों के बीच में, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो हो सकता है आगे चल के यू नो मिसिंग, आई एम गेटिंग दैट मिसिंग ईच अदर, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपके घर वाले भी चाहते हो दैट यू वांट यू नो टू गेट लाइक कि आप शादी हो जाए। वी हैव दैट कार्ड ऑफ ब्यूटिफुल रिकन्सिलिएशन एनर्जी, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के आपकी और इस पर्सन का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अब ये कब होगा, इट्स ऑल यू नो डिवाइन टाइमिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये पर्सन एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे करियर के लिए, पाइसिस के लिए, कि आने वाला टाइम उनके करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, पाइसिस, वी हैव दैट एम्परर एनर्जी। पाइसिस, आप
इट्स अबाउट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आप उसमें से निकल आएंगे बिकॉज रास्ता बन जाएगा और आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड, ब्यूटिफुल एनर्जी. लेकिन इट्स ऑल इन योर माइंड. ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वी आर दैट गेटिंग ब्यूटिफुल एम्परर एनर्जी फॉर ऑल द पाइसिस पीपल. अगर हम करियर की बात करें एंड सन कार्ड पॉजिटिव पॉजिटिविटी ब्राइटनेस, तो हो सकता है कि ये जो हफ्ता है लॉट ऑफ हैप्पीनेस लेके आए, और हो सकता है कि आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे बट वो चीज़ें खुल जाएं और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा कुछ हो. कुछ के लिए हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, बट ये जो हफ्ता है पॉजिटिविटी लेके आ सकता है, आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ सकता है, आपकी विश पूरी हो सकती है किसी ना किसी वे में. और हो सकता है आपको लग रहा था कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट इट्स ऑल एनर्जी. सो यू नो बी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप हियर. बी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रहिए. ठीक है, 10 of Cups एनर्जी. सो इट्स अबाउट यू नो कंटेंटमेंट. इट्स अबाउट जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइसिस. तो क्या गाइडेंस है पाइसिस के लिए? कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब. कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद का कुछ करते हैं, काम करते हैं, एंड मे बी आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा बाउंड फील कर रहे थे, बट मुझे वो रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशन दूर होती हुई, ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम, एंड यू विल बी हैप्पी. इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग. यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. ठीक है, और व्हील हमेशा कहते हैं ना आगे की तरफ बढ़ता है, तो आपको भी आगे का ही सोचना ही चाहिए, पीछे का नहीं सोचना चाहिए. व्हाट हैपेंड, ये वो, क्या हुआ, कैसे हुआ, फलाना, नो. सिर्फ आगे की तरफ सोचिए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए. और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अलाइनिंग यू नो योर सेल्फ विद द यूनिवर्सल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, जैसा कि हमने 11-11 रीडिंग में देखा था. और अगर आपने नहीं देखा तो आप वो रीडिंग ज़रूर दोबारा से यू नो सुन सकते हैं. सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस. एक्सट्रीमली पॉजिटिव. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.